आशा पास है सत सत, आशा की जो पास है रस्सियां है, वो हमारे हृदय में बहुत सारी आशा है, वो आशाओं की जो पास है दौड़े है वो हमको बांध के रखती है और क्लेश देती है। फिर आगे कहते हैं, काम क्रोध आदि इच्छा बट पाड़े दे भाई, काम क्रोध आदि इच्छा बट पाड़े दे भाई, अवसान होइ लो आसी भेला, काम क्रोध आदि चाल बाट पाड़े दे भाई, अब शान होइ लो आशी भेला। काम क्रोध आदि छय, काम और क्रोध, ये जो काम छह जन है, ये छह जन है, छह जन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये छह चीजें हैं। काम सबको पता है काम क्या होता है, क्रोध पता है, लोभ लोभ होता है ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करने का लोभ पैसा, मोह मोह होता है किसी चीज के प्रति मोह हो जाता है, मद मद मतलब है घमंड, घमंड होता है, और मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है। तो जो छह जन है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये छह क्या है? वाटपाड़। वाटपाड़ किसको बोलते हैं? जो रास्ते में जो डाकू होते हैं, रास्ते के डाकू को वाटपाड़ कहते हैं। समुन्द्र में भी होते हैं, जलदस्यु बोलते हैं, समुन्द्र में बड़े बड़े डाकू होते हैं, ये बहुत मतलब ऐसे बहुत सारी कहानी होती है, एडवेंचरस एडवेंचरस कहानी में आता है ये सब, जैसे कि बड़े बड़े डाकू समुन्द्र में रहते हैं, मतलब अपना बड़े बड़े जहाज को लूट के, जैसे आजकल हवाई जहाज को कभी कभी टेररिस्ट अटैक करके उसको घुमा के दूसरे कहीं ले जाते हैं, ऐसे आगे के जमाने में बड़े स्टीमर को घुमा के दूसरे जगह ले जाते थे, डाकू बीच में आएंगे और जो कैप्टन है स्टीमर का उसको हटा देंगे और वो पूरा स्टीमर को अपने दूसरे कहीं ले जाएंगे, जैसे उनको जलदस्यु बोलते हैं। तो वाटपाड़ मतलब हम जो जा रहे हैं रास्ते में, हम जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम लोग भव सागर में से धीरे धीरे भगवत धाम की तरफ जा रहे, हमारी नौका जा रही है और हमारी नौका को ये छह डाकू ने घेर लिया है, काम क्रोध लोभ, ये छह डाकू ने आक्रमण किया और हमको भगवत धाम नहीं जाने दे रहा है, वो अपने कंट्रोल में ले लिया हमारे नाव को, हमारे जहाज को, ये काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और हमको दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं, और हम भगवान को प्रार्थना करके, भगवान आप मेरी रक्षा करें, मैं सागर में गिरा हुआ हूं और ये सागर में जलदस्यु हमको दूसरे जगह खींच के ले जा रहे हैं, काम दूसरे जगह ले जा रहा है, क्रोध दूसरे जगह ले रहा है, लोभ दूसरे कहीं ले जा रहा है, मोह दूसरे कहीं ले जा रहा है, ईर्ष्या और कहीं ले जा रहे हैं, हम जहां जाना चाहिए भगवान के धाम उस तरफ हमारा प्रगति नहीं हो रहा है। ज्ञान कर्म ठगादि, ज्ञान कर्म ठगादि मोरे प्रतादियालोई, अवशेष फेले सिंधु जाले। तो ज्ञान कर्म ठगा दुई मोरे प्रतारिया लोई, अवशेष पेले सिंधु
जाले, तो वो डाकू तो थे, डाकू तो देखने से दिखते हैं कि ये डाकू है, पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने डाकू का ड्रेस पहना है। तो डाकुओं को देखने से दिखता है कि डाकू है, वो मेरे को साइड ले जा रहा है, काम मुझे इधर ले जा रहा है, क्रोध मुझे इधर ले जा रहा है, क्रोध काम लोभ मोह ये दिखते हैं, लेकिन ठग जो होते हैं वो दिखते नहीं है। ठग लोग दिखते नहीं है, वो आएंगे साहूकार बन के, साधु बन के। तो साहूकार बन के आएंगे और ठग के ले जाएंगे। तो हम जा रहे हैं भगवान के धाम, रस्ते में ये दो ठग आते, कौन से ठग हैं? ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म ये दो ठग है, इसको ठग कहते हैं भक्तराम ठाकुर, दोनों को ठग कहते, क्योंकि कर्म और ज्ञान देखने में भक्ति जैसे लग रहे हैं, कि भक्ति का मार्ग है, भक्ति के रास्ते से हमको जाना है भगवान के धाम। तो हम ज्ञान में फंसे हुए और हम सोच रहे हम भक्ति कर रहे हैं, हम कर्म में फंसे हुए हम सोच रहे भक्ति कर रहे हैं। तो ये कर्म और ज्ञान, इसलिए ज्ञान भक्ति का जो डेफिनेशन है रूप गोस्वामी ने दिया है वो क्या है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से मुक्त होनी चाहिए भक्ति, ज्ञान कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए, अनावृतम। तो ज्ञान और कर्म से आवृत होने का मतलब क्या है, मतलब कर्म, हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो हम अपने आप को कर्ता मानते हैं और हमको उसका फल भोगना है, इसको कर्म कहते हैं। तो हम जब कुछ भी करेंगे ये सोचे कि मैं करता हूं और मुझे इसका फल भोगना है, तो वो कर्म हो गया। और ज्ञान, ज्ञान में क्या होता है कि हमें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन अंदर में क्या इच्छा है, मोक्ष पाने के लिए, ब्रह्म में विलीन होने के लिए। तो ऐसा अगर है मिसकॉन्सेप्शन तो फिर हम ठगे जाएंगे, हम सोच रहे भक्ति करें लेकिन हमारा हो जाएगा ज्ञान, हो जाएगा कर्म। तो इसलिए बोले ज्ञान कर्म ठग दई मोरे प्रतारिया लई अवशेष फैले सिंधु जले। ज्ञान मुझे लेके गए बहुत दूर तक कि तुमको मैं ब्रह्म, ब्रह्म में विलीन कर दूंगा, चलो चलो चलो, और फिर आगे जाके सागर में फेंक दिया। हमको भक्ति भी नहीं मिला और ब्रह्म ज्ञान भी नहीं मिला। और कर्म क्या करेंगे, तो कर्म बोलेंगे चलो तुमको अच्छा कर्म करो स्वर्ग ले जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा, अच्छा कर्म करो पुण्य कर्म करो, तो भक्ति तो गया हाथ से और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। ये ज्ञान कर्म ठग दई मोरे प्रथा, यही भक्ति है, बोले ये पुण्य करो ये भक्ति है, पुण्य कर्म ही भक्ति है, ऐसे हमको समझाएगा। और ज्ञान क्या ठगेगा, कैसे ठगेगा, ज्ञान बोलेगा कि नहीं ये तुम ज्ञान का अनुसरण करो ये भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान की चिंता करो ये भक्ति है। एहेन समय बंधु तुमे कृष्ण कृपा सिंधु, एहेन समय बंधु तुमे कृष्ण कृपा सिंधु, कृपा कोरी तोलो मोरी भाले, कृपा कोरी तोलो मोरी भाले। एहन समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, बंधु मित्र वो जो हम भजन गाते हैं, पतित के बंधु तो हूँ गाते ना, पतित के बंधु तू हूँ, वही भाव इसी का भजन में है कि यह ना समय बंधु, हे कृष्ण आप बंधु हैं, आप मित्र हैं, आप मेरे वेल विशर हैं,
यह न समय बंधु, तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु, आप कृपा के सागर है, आप मेरे बंधु है, आप मेरे मित्र है, मुझे कृपा करके अपने उठा लीजिए। हम लोग जो हरिनाम की महिमा पढ़ते थे कुछ दिन पहले, हरिनाम प्रभु क्या बोलते हैं कि तुम, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, तो वही बोल रहे इधर भी, वहां भगवान बोल रहे थे, यहाँ भक्त बोल रहा है। पतित किंकरे धोरी, पाद पद मधुली कोरी, देहो भक्ति विनोद आश्र। पतित किंकरे धोरी, पाद पद मधुली कोरी, देहो भक्ति विनोद आश्रया। पतित किंकर धोरी, पाद पद्म धूली करी, मैं पतित हूं, मैं आपका दास हूं, मुझे आपके चरण की धूल बना दीजिए, पाद पद्म धूली करी, देहो भक्ति विनोद आश्रय, भक्ति विनोद ठाकुर को आपके चरणों का आश्रय दीजिए, देहो भक्ति विनोद आश्रय, यहाँ पर आश्रय मतलब मुझे आपके भक्ति विनोद ठाकुर को आप अपने चरणों में आश्रय दीजिए। पतित किंकर धोरी, पाद पद्म धूली करी, देव भक्ति विनोद आश्रय। अमितव नित्य दास, भूलिया माया र पास, बद्ध होया छी दया माह। अमितव नित्य दास, भूलिया माया र पास, बद्ध होया छी दया माया। मैं आपका नित्य दास हूँ, मैं हूँ दास तुम्हारा, मैं आपका नित्य दास हूँ, और भूलिया माया पास, मैं आपको भूल गया हूँ, मैं आपका नित्य दास हूँ, मैं आपको भूल गया हूँ, और भूल के मैं माया के चक्कर में बद्ध हो गया, आप कृपा करके मुझे उठाइए, मैं पतित हुआ हूँ, मुझे उठा के अपने चरण में धूल के समान बना लीजिए। ये प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं 5 नंबर श्लोक में, और इसी के ऊपर हमारे पास एक हिंदी भजन है, मैं हूँ दास तुम्हारा, वो हम लोग अभी उसको गाते हैं, मैं आप लोग इसमें चलाता हूँ भजन थोड़ा। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु, मैं हूँ दास तुम्हारा, मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु, मैं हूँ दास तुम्हारा, मुझे ना अपने दिल से बिछाड़ो, मुझे ना अपने दिल से बिछाड़ो, मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु, मैं हूँ दास तुम्हारा, मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु, मैं हूँ दास तुम्हारा। भव जल धारा दुस्तर पारा, डूब रहा हूँ मैं पार उतारा, डूब रहा हूँ मैं पार उतारा,
कृपाला दीन दयाला करुणा करो निज नयन निहारो मैं उदास तुम्हारा प्रभु मैं उदास तुम्हारा मैं उदास तुम्हारा प्रभु मैं उदास तुम्हारा मेरे अवगुण लाख हजारो क्षमा कीजिए प्रभु सेवा दीजिए क्षमा कीजिए प्रभु सेवा दीजिए पतित के बंधु पतित के बंधु मैं चरण को चेरो दिन जन भावा बंध निवारो दिन जन भावा बंध निवारो मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा मुझे ना अपने दिल से बिसारो मुझे ना अपने दिल से बिसारो मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु मैं हूँ दास तुम्हारा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल प्रभु जी हरे बोल बहुत मीठा भजन हरे बोल प्रभु ये हिंदी में कैसे है प्रभु ये किसका है भजन